ब्रेकफास्ट आ चुका है, मैंने ले लिया है बहुत सारा सैलेड आज, अंडे, स्क्रैम्बल एग मेरे पति ने, ये एंड यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट है ना, एम्स्टरडेम में ज़्यादा ऑप्शन मिला है, इतना हम लोग ने मतलब बाकी जगह पे थोड़ा लिमिटेड ऑप्शन था, बट यहाँ पे लाइक ड्राई फ्रूट्स अलग अलग, फिर सैलेड आप बना लो लाइक कस्टमाइज करके, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, काफ़ी बड़ा भी है यहाँ पे, तो होटल तो मैं दिखा चुकी हूँ, लिया इन्होंने पैनकेक, अच्छा वो नहीं गया तो यहाँ पे अगर आपको कॉफ़ी पैक करनी है तो यहाँ पे दिया रहता है, आप उस मग में पैक कीजिए और चलते बनिए, दिस इज़ गुड एक्चुअली, जो डिलीवरी करना है वो लेके जा सकते हैं। ये देखिए लॉबी एरिया कितना सुंदर है, ये काफ़ी बड़ा है, इनका बार भी बहुत बड़ा है, और वो रे मेरे पति बात करते हुए लोगों से और सामान इकट्ठे करते हुए, क्योंकि अभी आने वाले हमारे पास हम निकल रहे हैं, ये हमारी नहीं बस है और ये क्राउड, हम बस में बैठ चुके हैं और यहाँ सब अपनी सीट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको सीट नहीं मिलेगी अगर आप जल्दी आके ऑक्यूपाई नहीं करोगे, तो मैं सबसे पहले आके बैठ चुकी हूँ। तो अब वक्त आ गया एम्स्टरडेम होटल को बाय बाय करने का, अगर आपने मेरा पिछला एम्स्टरडेम का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा स्टे रहा है यहाँ पर, बहुत ही हैपनिंग सिटी है, मज़ा आ गया। अब हम निकल रहे बेल्जियम के लिए, तो आइए हमारे टूर गाइड मीगर की कुछ बातें सुन लेते हैं इस सिटी के बारे में, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। And it will take now around 2 hours and a half. तो ये पूरे यूरोप में जो ऐसे हाईवे रोड्स हैं जो कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे रोड हैं। आप देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसे ट्रैवल करने में। Merci, merci. Merci. And to say thank you very much. Merci beaucoup. Yes. Merci. Very well. And for example, if you have to talk to a lady, how do you say, how do you call this lady first? Madame. 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 And, Madame. Gentlemen. Madame. Say that. Monsieur, Monsieur, Madame. Madame. Also, chocolate. You will see a lot of places that have to buy chocolate. It's very typical. French fries. ये तो हम बेल्जियम पहुंचने वाले हैं और आप मेरे साथ बने रहिए पूरे बेल्जियम और ब्रूक्स का मजा लेने के लिए, स्टे ट्यून्ड। The 6 is very accessible to the public. The bottom is for yourself, permanent exhibitions dedicated to the 1950s Expo 58 and the buildings construction. The second is for host temporary exhibitions. Alright, बेल्जियम में आ चुके हैं हम लोग एंड लेट्स गो टू अ प्लेस, जो मेरे सामने का नज़ारा है वो मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए लेट्स टर्न माय कैमरा। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, बहुत सुंदर, अभी हम थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करेंगे और यहाँ चलते करेंगे। वाह, वाटर शो, और ज़्यादा पानी भर गया ना, हट जाओ नहीं लगना जाए इसको। You will see one of the most beautiful squares in Europe, the Grand Place. ये कॉफी शॉप होती है हर जगह, हाँ एक दो शॉप होती है सुवनेर की। Connect the city with the city of Antwerp. Here's a small port for construction materials, this kind of stuff.
तो हम बेल्जियम पहुंच चुके हैं, कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच, फ्रेंच एंड जर्मन। और आपने हमारे टूर गाइड से सुना ही होगा कि यहाँ पर चॉकलेट वेफल्स एंड बियर बहुत फेमस है। खैर, बियर तो पूरी यूरोप में बहुत फेमस है। फिलहाल हम सिटी का टूर कर रहे हैं बस में, और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सारे ऑफिस एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस हमें देखने को मिली। और इसके बाद हम जाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी इन बेल्जियम, ब्रुक्स। तो ब्रुक्स के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि मुझे भी यही पता चला है। और जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी है। यहाँ पे टाउन है छोटा सा जो बहुत लोग घूमने आते हैं, इट्स लाइक अननोन इन बेल्जियम, एंड जो बहुत ही खूबसूरत भी है। तो मैं आपको घुमाने वाली हूँ इसके बाद, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। लेट्स एंजॉय दिस व्लॉग एंड डू लाइक शेयर इफ़ यू हैवंट येट। Therefore, they decided that it was better to replace them by this personal architecture, which is typical from the 50s, 40s and 50s. This part of the town, which is different, is very beautiful, especially typical construction, a typical cathedral of in Gothic style. The saint of this cathedral is Saint Michael. It's dedicated to Saint Michael. We are going to drop off here. You follow me, please. We are going direct to the beautiful main square. As I said here, it is the cathedral. We are in Brussels, Belgium. अभी जस्ट उतरे हम लोग, एंड हम जा रहे हैं कैथेड्रल घूमने के लिए हमारे न्यू गाइड के साथ। वी आर ऑल डेक्ड अप, लेट्स गो। तो अभी हम बेल्जियम के मेन प्लाजा में उतर चुके हैं, और अभी हम जाने वाले हैं एक छोटा सा टूर करने के लिए सिटी का। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स गो, आपको घुमाते हैं आज बेल्जियम। चलिए हमारे ग्रुप के साथ, काफ़ी रंग बिरंगा लग रहा है मुझे फिलहाल। यहाँ पर मैं जो रोड क्रॉस कर रही हूँ, बेल्जियम का सिटी सेंटर है। आप देखिए कितना क्राउड है, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड यहाँ पे अच्छी धूप हो रखी है फिलहाल बेल्जियम में, तो अच्छी बात है। बट काफ़ी बेल्जियम बहुत फेमस है अपने चॉकलेट वेफर्स के लिए, तो हम आते तो वक्त वापसी में वो खरीदेंगे। वेरी क्यूट, जो जो लेना है जल्दी जल्दी ले और निकलते हैं। पूरा शॉपिंग सेंटर है, आप देखिए यहाँ पे मार्केट वगैरह घूमने कितने से ऑप्शंस मिल रहे हैं। एंड ये पूरा टूरिज्म स्पॉट है, टूरिस्ट के लिए लगाया गया है, अट्रैक्शन के लिए। राइट लेफ्ट दोनों ही तरफ कपड़े काफ़ी कुछ, अंदर बहुत बड़ा मार्केट प्लाजा है। वॉफल्स हर जगह मिल रहे हैं, चॉकलेट की दुकान में घुसे हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बेल्जियम चॉकलेट है, जो बेल्जियम जिससे जाना जाता है अपने चॉकलेट्स के लिए, तो यहाँ पर आपको फ्री ट्राई करने को भी मिलेगा, उस हिसाब से आप अपना पैक करा लीजिए। इसके भी मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चॉकलेट की वैरायटी है, कैंडीज है एंड व्हाट नॉट, 5+1 ग्राम्स का है। आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर एंड ऑल देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा महंगा है फॉर श्योर, लाइक ये 550 के करीब, 600 के करीब है। देन आप ये देखोगे तो ये 2500 के पास पास है, तो रेट्स हैं बिट हाई। बाकी ये सारे वैरायटी देखोगे तो ये 2500 के हैं सारे चॉकलेट का, आपको ये दे देंगे बुके टाइप। एंड पता नहीं क्या है, हैमर, ओके
इसके अंदर चॉकलेट है, हैमर के अंदर। ये आपका है 1250 के आसपास, तो मतलब है रेट तो है महंगे। एंड देन डिफरेंट कुकीज़ आपको मिल जाएंगे। बेसिकली स्टोर में बहुत वैरायटी है एंड प्राइस भी बहुत वेरी करता है। नथिंग इज़ बिलो 9 or 10, सब कुछ उसके ऊपर ही है। चॉकलेट जो कि आपका इंडियन मनी के हिसाब से 900,000 रुपये। तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत चॉकलेट लिया है, अब हम आगे जा रहे हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए बेल्जियम को। चलिए हमारे साथ, लेट्स गो। वेफल्स ना, और ये ला बेल्जी का गवर्नमेंट है, इसमें हम गए। ये गवर्नमेंट है तो बहुत सारे चॉकलेट के आपको यहाँ शोरूम दिख जाएंगे। मार्केट आप बेल्जियम के चॉकलेट को इंजॉय कीजिए। अभी वेफल्स हम ट्राई करने वाले हैं, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी है। आपको कौन सा मन है? हाँ ये ले लो, ये ठीक लग रहा है। देखिए अपना दिल्ली वाला मार्केट लग रहा है मुझे। ये रहा हमारा वेफल्स का शॉप, यहाँ पे हम एक लेके ट्राई करने वाले हैं, तो लेट्स सी कैसा मिलेगा इसका। थोड़ा ठीक है रेट एंड लेट्स सी। ओके लेट्स सी, हमारा वेफल्स वहाँ बन वेफल्स के अलावा यहाँ बहुत सारे कैंडीज़ भी है। आप देखिए अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में इतने सारे कैंडीज़ है। द बेस्ट थिंग अबाउट यहाँ का इज़ दे विल गिव यू एवरीथिंग फॉर ट्राई एंड यू कैन बाय इट एज पर योर टेस्ट। ये हमारा वेफल्स आ गया है, लुक्स डिलीशियस, ट्राई करते हैं। बेल्जियम कैसीड्रल, ये है बेल्जियम बियर म्यूजियम। सो बेल्जियम में बियर भी काफ़ी फेमस है और इतना बड़ा कैसीड्रल। और ऐसे घूमते घूमते हम अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे, हमें हमारे टूर गाइड नहीं दिख रहे थे और हम रास्ता भी खो गए थे। तो काफ़ी टाइम के बाद एक बंदा हमें दिखा अपने ग्रुप से और फाइनली थैंक गॉड हम वापस आ चुके हैं अपनी ग्रुप के साथ। और अभी हम जा रहे हैं वापस बस में ब्रूक्स घूमने के लिए, लेट्स गो। The name of this church is the Sacré-Cœur, the Holy Heart. The biggest church. It was built. This is the biggest construction in one style. The style of this church is the Art Deco style, which is an architecture and art style. Bada Zara Kashmir Mall. और यहाँ पे इसी के साथ चलते हैं, जा रहे हैं। सो नाइस, पूरा नेचर नेचर। See that in the Middle Ages there was a young girl who fell in love with a Viking, but he was not the best candidate, or his father didn't agree this relationship, so they decided to close her in a tower like this one. And because she was apart from his lover, she started to cry and cry and cry, and she cried so much, that much, that the lake was so formed. Who's that? And they say, if you kiss your lover in this bridge, love will be eternal. Did you hear that? Cruises में आप देखिए कितना सुंदर नजारा है। This is beautiful, बहुत सुंदर है आपकी सीनरी। Looking भी होती है ऐसे आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे कवर करना है और मौसम भी बहुत अच्छा है घूमने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ब्रूजल्स मेरे साथ, चलते रहिए। और बहुत सारे घोड़े की सवारी भी हो रही है यहाँ पे। घोड़ा हटाने के लिए हाथ से हटा रहे हैं। टम टम बुला।
में आपका स्वागत है। ब्रुक की सड़कों पे चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए अ टूरिस्ट स्पॉट। And at the time of its construction was the biggest building made by the human being using bricks. What's the name of the church? Our Lady. Our Lady. Our Lady Church. The tourism guide. Oh, okay. ये इनका लग रहा है कुछ चल रहा है, रैली चल रही है, रैली। खाने के लिए देख रहे हैं क्योंकि लंच टाइम हो गया और आसपास पूरे रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट हैं, बट प्राइस देख के खाएंगे कहीं। सेंट्रल स्ट्रीट मेन्यू और काफ़ी भीड़, अच्छी धूप है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट हमको दिख चुका है यहाँ ब्रुक्स में, लेट्स सी लाइक कि वो ताज महल इंडियन रेस्टोरेंट क्लोज था तो हम बाहर किसी और रेस्टोरेंट में आ गए हैं। अब यहाँ का क्विज़ीन खाना पड़ेगा तो टेस्ट करके और बताते हैं कि क्या लिया है, तो देखते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे फ्रेंच क्विज़ीन है जो समझ में नहीं आ रहा है, फ्रेंच की लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, तो वी हैव टू मेक इट आउट बाय दिस फोटो और हमें पूछना पड़ रहा है कि कौन सी डिश क्या है। एंड यहाँ पे बियर वगैरह का रेट जो है वो कम है, यहाँ पे बियर बहुत सस्ती मिलती है, बट खाना फूड पास्ता यही सब है, फास्ट फूड। आप देखिए पूरे मेन्यू में यू कैन सी चॉकलेट सैलड्स, दैट्स इट। एंड ये तो देखते हैं क्या लेंगे। एक चीज़ हमने नोटिस किया यूरोप में कि आपको फोर्क और नाइफ पक्का दिया जाएगा लेकिन स्पून नहीं दिया जाता। कि ऑरेंज जूस तो आ गया लेकिन ये जो हम पीते हैं वैसा नहीं है, बहुत सिट्रस होता है इसमें, प्रॉपर ऑरेंज जूस है। चिली गार्लिक स्पेगेटी हमने ऑर्डर किया था, इसका टेस्ट वाकई अच्छा है। डिड यू लाइक इट? इट्स गुड एक्चुअली, जो इनका टेस्ट बर्ड उस हिसाब से सही है। एंड एज यूजुअल फ्रेंच फ्राइज इज ऑलवेज गुड, बस इनका पेरी पेरी मसाला नहीं मिलता है। तो फ्रेटोनिया पिज़्ज़ेरिया था जहाँ हम गए थे, अभी हम जा रहे हैं वापस और सोविनार के लिए घुसते हैं कहीं। लोग इसे निकलते हुए लौट रहे हैं खा के घूम के ब्रुज़ी। ओके लेट्स स्टार्ट। एक बार आपने व्हाट्सएप पे किया? अच्छा तो व्हाट्सएप आरिस टू क्रॉस द साउथ ऑफ बेल्जियम and we have around 3 hours and a half, but we have to make a stop on the way, so it will be approximately 4 hours, also depending on the traffic in Paris. हम देख रहे बस से थोड़ा कम भी लगे, 4 घंटे अगर वो बस यानी कि डायरेक्ट वाली। तो हम पेरिस के लिए निकल चुके हैं और अभी हमने रास्ते में हॉल्ट लिया है यहाँ पे गैस स्टेशन पे, और यहाँ सुपरमार्केट भी है, तो हम घूम घूम के आके यहाँ बाहर बैठे हैं सिट आउट एरिया में। और फिलहाल पेरिस के लिए हमारा ट्रिप ऑन है, पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगे हम जैसे ही हमारी गाड़ी चलेगी थोड़ी देर में। और हम यहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा रहे हैं रास्ते में क्योंकि आज यहाँ की बसेस में ये अच्छा लगा मुझे कि कुछ खाना अलाउड नहीं है, कि वो गंदा वंदा एंड ऑल स्मेल, तो आई थिंक वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, यहाँ कोई भी नहीं खाता है बस में।
तो आपको ऐसे बीच में हॉल्ट दिया जाएगा, वहाँ कुछ कुछ खाइए। और फिलहाल ये हाईवे रोड है पूरा पेरिस का जो रास्ता जा रहा है, देखिए। तो बने रहिए टिल पेरिस यू। ये हम नोवोटेल में फाइनली चेक इन कर चुके हैं एंड ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है पेरिस नोवोटेल। यू कैन सी अराउंड, मतलब अब तक का ये सबसे बड़ा होटल है।